You are a man, not kid. You go by what is important, not by your emotions and feelings. Emotions are temporary. अभी कुछ बोल रही है और थोड़े टाइम बाद कुछ और उसकी सुनोगे तो सुनते सुनते बैक टू स्क्वायर वन। स्क्रिप्चर्स में भी लिखा हुआ है जिसने अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया वो जो चाहे वो पा सकता है। और आज के टाइम में जहां पर इंस्टाग्राम यूट्यूब के एआई ने सबकी अटेंशन ग्रैब कर रखी है ये उतना ही मुश्किल हो जाता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन के लिए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बॉडी प्रोग्राम्ड हो गई है, जो चाहिए अभी चाहिए, इंस्टेंट प्लेजर, इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन। पर सक्सेस इज ए लॉन्ग प्रोसेस। हर चीज में सक्सेस पाने के लिए टाइम लगता है। सबको बॉडी तो बनानी है पर कितने लोग उसके लिए एफर्ट देते हैं, महीनों तक, सालों तक अपने डाइट, अपने रेगुलर वर्कआउट पे ध्यान देते हैं। डिले योर ग्रेटिफिकेशन, हैबिट बनाओ, अपना माइंड ट्रेन करो, एल्स ये प्रॉब्लम टाइम के साथ बढ़ने ही वाली है। इससे पहले एआई आपके माइंड को कंट्रोल करे, तुम अपने ब्रेन को और स्ट्रांग बनाओ। आज का टेम्पररी प्लेजर और कल का पेन, या आज का पेन और कल का परमानेंट प्लेजर, चॉइस इज योर्स। आज भी सबसे मुश्किल काम अपने आप से जीतना है और वो बस हैबिट की बात है जो इजीली आप कर सकते हो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेकर। सब कुछ प्रोसेस में ही आपके आपके हैबिट में है, आप रोज क्या करते हो उसमें है और इसमें टाइम लगता है। इंसान बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने आप को जीतता है। इसी के लिए जरूरी है कंसिस्टेंसी। वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू। एक्सीलेंस इज नॉट एन एक्ट बट ए हैबिट। कोई भी काम जब हम बार बार करते जाते हैं तो वो मोनोटोनस हो जाता है और जिनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की हैबिट है वो क्विट कर देते हैं। पर एक्सीलेंस वही अचीव कर पाता है जो अपने इमोशंस की, अपनी फीलिंग की ना सुनते हुए भी आगे बढ़ता जाता है। जब कुछ भी करने का मन ना करे, जब काम करने का मन ना करे, तब भी अगर वो बंदा जाता है तो एक्सीलेंस उसको अचीव होती है। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ग्रेटिफिकेशन। डिले योर ग्रेटिफिकेशन नाउ।